हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हम लोग एमओजी कैसे ऐड करें अपने वीडियो टाइटल में। यूट्यूब के जो भी हम वीडियोस बनाते हैं तो उसमें जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर हम अनलिमिटेड इमोजीज ऐड कर सकते हैं, बट वो करना कैसे है आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। बहुत सारे लोग उससे पूछ भी रहे थे कि आप को अगर टाइटल में इमोजी ऐड करना है तो हम किस तरह करें, उस पर आप वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो इस पर बना देते हैं जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि अगर उनको टाइटल में कोई अच्छे इमोजीज ऐड करने हैं तो वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आप गूगल में इमोजी करके सर्च कर लें। सर्च करने के बाद आपको गेट इमोजी की वेबसाइट आ जाएगी। ये सारे इमोजीज कम्प्लीटली फ्री है और आप इसको अपने हिसाब से, अपने टाइटल के हिसाब से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिल जाएगी जहाँ पे आपको बहुत सारे इमोजीज मिल जाएंगे। तो मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इमोजीज हैं जो लोग अपने वीडियोस में यूज़ करते हैं और उनके वीडियोस के जो टाइटल्स होते हैं स्पेशली या डिस्क्रिप्शन होते हैं वो थोड़े इंटरेक्टिव बन जाते हैं, वो अच्छे लगते हैं। लोग देखते हैं अरे इन्होंने ऐसा इमोजी, एक अलग तरह का इमोजी डाला है, मतलब शायद कुछ हो सकता है वीडियो के अंदर। तो मैं भी लोगों को यही बोलता हूँ कि आप कोशिश करें थोड़े से इमोजीज, अच्छे वाले इमोजीज अपने वीडियो टाइटल के हिसाब से उसे यूज़ करें। बट उसे यूज़ कैसे करना है उसी के बारे में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं, लोगों तक पहुँचाएं जिससे उन्हें पता चले कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं या जो चीज़ करना चाहते हैं वो किस तरह से करेंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक काम का ही वीडियो होगा, क्योंकि इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आप इमोजी कैसे ऐड करेंगे अपने टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में। तो अब जैसे कि मुझे ये वाला एक इमोजी चाहिए मेरी वीडियो के लिए, या मैं कोई और, चलो मैं ये वाला ही ले लेता हूँ। तो उसको जो सबसे पहला स्टेप है, आप कोई भी इमेज को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके इसे आप कॉपी करें। जैसे ही आप यहाँ से इसे कॉपी करेंगे आप अपने चैनल पे जाएं। ये मेरा चैनल है, यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हुए हैं। तो कोई भी एक वीडियो मैं ओपन कर लेता हूँ अपना और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि एक इमोजी क्या हम ऐड कर पाएंगे कि नहीं। तो ये इमोजी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इमोजी ऐड करेंगे तो इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद वो इमोजी आपको आपके वीडियो के टाइटल्स में या डिस्क्रिप्शन में, अच्छा मैं एक इमोजी आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करके दिखा देता हूँ। सेम आप वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से कोई भी एक इमोजी को आप इस तरह से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे कॉपी करें और कॉपी करने के बाद अपने चैनल पर जाएँ और उसको यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। तो कॉपी और पेस्ट वाला यहाँ पर फंडा है, आपको कोई ऐसे दिमाग नहीं लगाना है। एक वेबसाइट से एक इमोजी आपको कॉपी करना है और अपने टाइटल में जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके डाल देना और उस वीडियो को आप सेव कर लें। इस तरह से आपका इमोजी ऐड हो जाएगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी तो है इमोजीज की, बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक इमोजी चाहिए तो आप उसको यहाँ पे उसके नाम से भी सर्च कर सकते हैं। जो भी जेनरिक नेम्स होते हैं, जैसे कि मैं फायर यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और सर्च बॉक्स पे जैसे मैं फायर लिखूंगा और सर्च पे हिट करूंगा तो ये आपको अगले विंडो में ले जाएगा और वहाँ पे आपको फायर से रिलेटेड रिजल्ट्स मिलेंगे। जो आपको यहाँ पे पसंद हो आप उस पर क्लिक करें। यहाँ से ये चीज़ कॉपी नहीं होगी, आप उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप और एक विंडो पे आएंगे और यहाँ पे आपको वो पर्टिकुलर इमोजी आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी करें, अपने चैनल पर जाएँ और चैनल पर जाने के बाद यहाँ पर उसको आप पेस्ट कर दें। इस तरह से आप अपना इमोजी कोई भी वीडियो में या वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आप ऐड कर सकते हैं। तो जब आप इमोजीज ऐड कर देंगे तो आपका जो टाइटल है या डिस्क्रिप्शन है वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप मुझे प्लीज़ एक कमेंट तो ज़रूर करें और कमेंट करके ये बताएं कि मुझे आने वाले टाइम में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर मैं वीडियोज़ बनाऊँ आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।